किसने किया, किसने किया? रोशनी की भी इन्होंने बेइज्जती की, बाइबल मुकद्दस की भी इन्होंने बेइज्जती की। ये देखे सर इसकी, ये देखे ये देखे जी, मसीहों की बाइबल मुकद्दस को भी इन्होंने ये नीचे फेंका जी। ये देखे ये कौन लोग थे जी, ये बाइबल मुकद्दस की बेइज्जती की है। अभी यहाँ पे हम धरना दे के बैठे हुए हैं, तो जिस तरह जो ये पुलिस और इनके जो राजा रियाज और राजा अब्बास है उसके जो प्राइवेट गुंडे हैं, ये घरों में दाखिल हुए और इन्होंने बाइबल मुकद्दस की बेहुदती की है, पकड़ पकड़ के इन्होंने बाहर फेंका। ये हमारी बहन है हमारी, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये आपको बताएंगे कि किस तरह ये बाइबल मुकद्दस की बेहुदती कर रही है, बताया जा रहा है। करो करो बात। और हमारे जो नौजवान है, जब इन्होंने बाइबल मुकद्दस की वहाँ पे जो नौजवान थे वो उनके गले पड़े हैं, और ये देखे किस तरह ये ज्यादती है। तो लोग बेचारे बेघर किए, एक आप बोली बाइबल्स की बेहुदती। अगर मैं समझता अगर कोई खुदा खासा ये पुलिस वालों के अपने मजहब की कोई इस तरह की मुकद्दस किताब होती तो तब ये क्या करते, लेकिन इन्हें जरा भर भी एहसास नहीं है कि हम लोगों का भी अपने अकीदे से मोहब्बत है, हमारी पाक सलीबे है, हमारी मसीह तस्वीर है जिनको फेंका जा रहा है, बाइबल मुकद्दस है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, वरना ये पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम ये खुद कर रहे हैं और बाद में दूसरों का नाम लगाते हैं कि ये, जब ये इस तरह लोगों के अकीदों का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर कौन सी हुकूमत और कौन सी इंतजामिया। तो हमें मैंने वार्न करता हूँ कि आप फौरी तौर पर इस सिलसिले को बंद किया जाए। अगर आपने इसके बाद किसी ने देखा कि कोई बाइबल मुकद्दस को आपने फेंका है तो हम फिर आपका मुकाबला करेंगे, आपके हाथ तोड़ेंगे। हमारे जितने भी नौजवान हैं वहाँ आराम से खड़े थे और वो कह रहे थे कि आपने सामान निकाल दें। बाबूजी भी बैठे हुए थे, सब वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बाइबल फेंकी तो फिर हमारे नौजवानों ने जो है वो शोर मचाया कि आपने हमारे इकराम की बेइज्जती की है। उन्होंने कहा कि हमने आपको इजाज़त दी है कि आप सामान निकालें, आपकी ड्यूटी है आप सामान निकालें, लेकिन हमारे कलाम की बेइज्जती तो ना करें, उसको ऐसे फेंकी तो ना करें।